मैं नंदलाल मौर्य आपकी YouTube में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं पहला चलता हूँ, क्या क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए का नोट निम्न के द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा। तो ये 1 रुपए का नोट जो जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट को 1 रुपए के नोट को रिजर्व बैंक की ओर से जारी नहीं किया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि इस नोट को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा इस नोट के ऊपर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसके अलावा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि बाकी सभी नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पे क्या होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपए से अधिक जो रुपया होता है, 2, 3, 4 या 500, 1,000, 500, उस पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। तो ऑप्शन दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका जम्मू कश्मीर है। इसके फैक्ट देखते हैं क्या है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की। लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू जिस दिन ये पारित हुआ था वो मंगलवार का दिन था, आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें डोगरी और कश्मीरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित करने को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बताया। तो पहले ये नहीं था, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी नहीं था, ये विधेयक जब 2020 में पारित हुआ तब इसको लाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं वो 12 है। वो कितने हैं, 12 है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 12 है। इसके थोड़ा फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और लोकसभा क्या है, निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में देखिएगा, लिखा है राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। तो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है और 6 साल के लिए चुना जाता है, ये फैक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है, ये देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, और चुनाव नहीं होता है, यह वंशानुगत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही है। ये क्या होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री सामान्य वर्तनी प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है।
भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। ये भी जानना जरूरी है, ये राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। भारत की संसदीय राजनैतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख पद को पूर्णतया विभक्त रखा गया है। अगले चलिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्यकाल होता है कितने? 5 वर्ष का। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए, राज्यसभा की नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चीज होता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्यसभा में वही होती है जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की होती है। जैसे राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार में, उसी तरह राज्यपाल होता है राज्य सरकार में। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, ये भी एक चीज जान लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है। 7वें संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जाता है। 1956 में यह संशोधन किया गया कि एक राज्य से अधिक कई राज्यों में एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रचयिता है वेदव्यास। वेदव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है भारतीय संसद के सदन में विरोधी दल का नेता कौन होता है? तो इसमें है नहीं कोई। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम नागरिक परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, 1974 में हुआ था, 18 मई, 18 मई 1974 में हुआ था। देखते हैं क्या है फैक्ट इसके। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण किया था। यह क्या है? राजस्थान में है। स्माइलिंग बुद्धिता पोखरण 1 18 मई 1974 को किया गया था। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस के लिए होता है? देखते हैं क्या है। करा हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा को प्रभावित करता है। अत्यधिक धारा प्रवाह के लिए समय विद्युत परिपथ को तोड़ता है। किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाता है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ देता है। जब उसमें धारा अधिक प्रवाह होता है, जैसे ये आपका तार है, इसमें कैसे जैसे करंट ज्यादा फ्लो होगा तो आपका इसी पर से वो तोड़ देता है, फ्यूज कर देता है। बल्ब में जैसे रहता है, अधिक धारा बहना शुरू हो जाएगा तो वो तोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पन्ना व हीरा निर्मित होता है बेरिलियम व कार्बन से, कार्बन से, सिलिकॉन से, सिलिका व बेरिलियम से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बेरिलियम व कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दिया है ग्रहों को, जीवाश्मों को, शिशुओं को और चट्टानों को। ग्रहों को, शिशुओं को, चट्टानों को और जीवाश्म को। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, जीवाश्म को, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पित्त श्रावित तो होता है, तो पित्त श्रावित किसमें होता है? लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर
डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? ऑप्शन दिया है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी। तो ये सभी का काम करता है। क्या क्या करता है? हीमोग्लोबिन या आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये सभी को पता होगा, 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे जे थॉमसन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो वह क्या करता है? वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, जब वो धन आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। नेक्स्ट, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? बंदूक चलने वाले व्यक्ति का भार कम है, गोली दागने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बहुत भारी है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गोली बहुत तीव्र वेग से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये न्यूटन के तृतीय नियम से है। क्या? न्यूट्रन, न्यूटन के तृतीय नियम से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया है परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, तो परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु कौन सा है? तो सर ही सोना होता है, मतलब सोना देखिएगा पानी चढ़ाया रहता है तो उसमें सबसे पतला तार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सोना। तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु कौन सा है? तो सोना है। इस तरह से 20 तक के क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।